खबर रीवा से है, जहां सड़कें बनाने वाली कंपनी की लापरवाही ने एक युवक की जान ले ली। डायवर्जन संकेतक के अभाव में बाइक सवार युवक निर्माणाधीन पुल में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेता के बेटे विभूति नयन मिश्रा की कंपनी से जुड़ा हुआ है। वहीं पूरे मामले में मृतक के गुस्साए परिजन सड़क जाम कर कंपनी पर मामला दर्ज कर 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। और ये घाट हादसे, अभय मिश्रा जी की सोच ये है, वो हमारे लिए सड़क नहीं बना रहे, वे सिमरिया के लोगों के लिए समाधि स्थल बना रहे हैं। और आज से 2 दिन पहले एक अम्मा के पास घटना हुई है, उसमें किसी घर का चिराग बुझा है, आज भी यहाँ चिराग बुझ गया। सूचना प्राप्त हुई थी कि पानी में एक शव और एक गाड़ी मोटरसाइकिल देखी गई थी, तो जिसकी सूचना पर पुलिस तत्काल आई है और उनके परिजनों को भी सूचना दे दी गई थी। फिर सीसीटीवी फुटेज जो यहाँ पे लगा हुआ है उसको भी चेक किया गया, जिसमें ये क्लियर दिख रहा था कि मोटरसाइकिल काफ़ी स्पीड में आई है, नियंत्रित होकर वो बाउंस हो गई है उसमें और फिर जाके पानी में चली गई है। बेड़ा सवरिया रोड में आज एक सड़क दुर्घटना हुई। सड़क दुर्घटना इतनी दर्दनाक थी कि जो कि लोग ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि ये सड़क दुर्घटना है। लोग कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे कि ये हत्या है, लेकिन मौके पर जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ तो वहाँ से एसडीओपी के द्वारा जांच की गई। एसडीओपी के द्वारा यह बताया गया कि ये हत्या नहीं, सड़क हादसा है। लेकिन सड़क हादसा कैसे, वो भी श्रीजी कंपनी गुजरात के द्वारा ठेका लिया गया था और रीवा किसी नेता के पुत्र के नाम से ये पेटी कॉन्ट्रैक्टिंग में दिया गया है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है, प्रशासन अभी तक हाथ पर हाथ क्यों रखा हुआ है? श्रीजी कंपनी मुख्य कंपनी है, इसके बाद पेटी में दे दी गई है कांग्रेस नेता के पुत्र को, जो कि उदित इंफ्रा कंपनी का नाम आ रहा है। जैसे यहाँ के परिजनों, मृतक के परिजनों के द्वारा, उनके रिश्तेदारों के द्वारा बताया जा रहा है कि अब कांग्रेस नेता के पुत्र की कंपनी है जिसके द्वारा यह पुलिया का निर्माण करवाया जा रहा है। प्रद्युम्न शुक्ला, एम के। इसी के साथ इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए रीवा से हमारे संवाददाता प्रद्युम्न शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रद्युम्न, बीते दिनों भी हमने इस बात पर चर्चा की थी, बीते दिनों भी ये सड़क बनाने वाली कंपनी की लापरवाही से एक युवक की जान चली गई थी और कल भी जो है दर्दनाक हादसा हो गया जिसमें फिर एक युवक की जान चली गई। आखिर क्या वजह है कि इस कंपनी के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? बिल्कुल अस्मिता, मैं बता दूं कि एमकेएन न्यूज पूरे प्राथमिकता के साथ, प्रमुखता के साथ खबर का प्रसारण किया था। अभी 3 दिन पहले यही घटना घटी थी कि एक युवक की मौत हो गई थी। सबसे बड़ी लापरवाही जो अब तक निकल करके आई है, तो कहीं ना कहीं देखिए, इस सड़क का निर्माण कार्य एक ऐसे ठेकेदार के हाथ में है जो कि पूर्व विधायक भी थे और वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, तो उनके लड़के के नाम से उदित इंफ्रा कंपनी है जो कि पेटी कॉन्ट्रैक्टर के रूप में उभरी है और उसी का कार्य चल रहा है। यहाँ पास कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि प्रशासन राजनीति की गिरफ्त में पूरी तरह से समझ में आ रहा है जी। जो कि एक घटना घटी, फिर दूसरी घटना घटी, अभी कितनी घटना इस सड़क मार्ग में होने वाली है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। उसका रीजन एक ही है कि जब ये एक घटना घटी तो उसके बाद प्रशासन को चेत जाना चाहिए और उस कंपनी के ऊपर अथवा मालिक के ऊपर कार्यवाही करना चाहिए। पूरे परिजन गिड़गिड़ा रहे थे कि कंपनी के ऊपर FIR 302 का मामला पंजीबद्ध किया जाए, लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं राजनीति में दबाव में, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा यहाँ से ट्रांसफर करवा दिया जाए कि और भी कुछ बातें निकल सामने आ सकती हैं, जो कि प्रशासन ये कह रहा था प्राथमिक मामला दर्ज कर लिया गया है और बाकी जो कार्यवाही होगी तो अपने जिले के अधिकारियों से बताकर और बात करके कार्यवाही की जाएगी। लेकिन जो प्राथमिक मामला दर्ज हुआ है
वहां पर यह साफ जाहिर हो रहा है कि गाड़ी तेज रफ्तार में आती है और एक फिल्मी स्टाइल में कम से कम 40 फीट गाड़ी ऊपर जाती है और गड्ढे में, जो पुल का निर्माण कराया जा रहा था निर्माणाधीन पुल के, गड्ढे में गिर जाती है, वहीं उस युवक की मौत हो जाती है। जी बिल्कुल जी। और देखा जाए कि बीते दिनों जो मामला हुआ था, जो हादसा हुआ था, वो भी कुछ इसी प्रकार से हुआ था। तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि ये भी रात के वक्त ही हुआ, वो भी जो है रात के वक्त भी हुआ। तो ऐसे में अगर ये कंपनी को निर्माण कार्य मिला है, तो ऐसे में इनकी जिम्मेदारी बनती है कि उस जगह पर, उस स्थान पर जो है कुछ ऐसे सिग्नल्स लगा दिए जाए जिससे कि लोगों को समझ आ जाए कि यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है। तो क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं और अब कितने हादसे और होना बाकी है? बिल्कुल अस्मिता, बता दूं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, सीधी सी बात है। और यहाँ पर सिग्नल होना चाहिए, संकेतिक बोर्ड होना चाहिए, कम से कम 50 मीटर पहले यहाँ पर बोर्ड लगा देना चाहिए कि पुल का निर्माण अथवा सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। अब डायवर्सन दिया गया तो उसके हिसाब से जो गाड़ियां वाहन उधर से आ रहे हैं तो अपने आप में कंट्रोल करके साइड से निकल जाए। लेकिन बोर्ड लगाए गए हैं, कुछ जगह बोर्ड लगाए गए हैं जो कि मौके स्पॉट में लगाए गए हैं, उसका कोई औचित्य नहीं। वहां तक देखते देखते वहां पर सीधे गड्ढे में गिर रही गाड़ियां और 32-33 पुल का निर्माण कार्य करवाए जाना है, जिसमें 25-26 पुल का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है और सारे जगह ऐसे गड्ढे खोद खोद करके मौत का कुआं बना दिया गया है। देखिए, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि रीवा जिले में तो 8 विधायक है, सत्ता पक्ष के विधायक है और ये विपक्ष के पूर्व विधायक थे, इनके लड़के की उदित इंफ्रा कंपनी है, तो विपक्ष में है। इसके बाद भी सत्ता पक्ष कुछ नहीं कर पा रहा, कहीं पर मौके पर कोई जनप्रतिनिधि वहां पर उपस्थित नहीं हुआ। 7 बजे रात की घटना बताई जा रही थी और लगभग 2 बजे तक वहां पर जाम था। हालांकि इस डीओपी के समझाइश के बाद मामला पंजीबद्ध करने का आश्वासन दिया गया है, जांच दौरान जो भी तथ्य होंगे। लेकिन वीडियो में आप देख सकती हैं, टीवी स्क्रीन पर सीधे दिख रहा है कि सीसीटीवी कैमरे में जो कैद हुआ है, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में गाड़ी पर्याप्त मात्रा में तेज थी, रफ्तार थी। उसके बाद वहां पर जो मिट्टी का टीला बनाया गया था वहीं से जंप की है, 50 फीट जाकर के सीधे गहरी खाई में समा गई है। तो ये एक दर्दनाक हादसा, परिजन गिड़गिड़ा रहे थे प्रशासन से भी और नेता से भी, और उनकी एक ही मांग थी, इस कंपनी उदित इंफ्रा कंपनी के नाम और उसके मालिक के ऊपर 302 का मामला पंजीबद्ध हो। सबसे पुलिस के कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लग रहे हैं कि आखिर में एक घटना घटी तब मामला पंजीबद्ध नहीं हुआ और दूसरी घटना घटी तो भी मौके पर विरोध करने के बाद भी मामला पंजीबद्ध नहीं हुआ। अब कितनी जान लेगा उदित इंफ्रा कंपनी? बिल्कुल, अब देखना खास होगा कि प्रशासन अब जिस कुंभकर्णी नींद में सोया है कब उनकी आंखें खुलती है या फिर और ऐसे एक दो हादसे का इंतजार प्रशासन कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो रीवा से ये खबर थी।